हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शिफाली और एक बार फिर मैं आ गई हूँ अपनी एक नई रेसिपी के साथ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक साल के बाद हमारे बेबीज की ज़्यादातर मिल्क डाइट को सॉलिड फूड रिप्लेस कर लेते हैं, तो उस समय हमारे मन में ऐसे ख्याल आते हैं कि हम अपने बेबीज को ऐसा कौन सा सॉलिड फूड दें जो कि हेल्दी हो, न्यूट्रिशियस हो और साथ के साथ अपीलिंग भी हो। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी टॉडलर डाइट जो कि हेल्दी है, न्यूट्रिशियस है और अपीलिंग भी है, जिसका नाम है जुकिनी एंड चीज सॉसेजेस। जुकिनी, जिसे कि हम अपनी देसी भाषा में तुरई, निनुआ या जुगिनी के नाम से भी जानते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं इसे बनाना। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हम जुकिनी सॉसेजेस बनाना। जुकिनी सॉसेजेस के लिए मैंने यहाँ पे ले ली है 1 ग्रेटेड जुकिनी, थोड़ा सा ग्रेटेड चीज, 1 बारीक कटा हुआ अनियन, 1 फ्रेंड्स यहाँ मैंने ले लिया है ऑलिव ऑयल, जिससे हम इसको फ्राई करेंगे। ये बना लिए हैं मैंने ब्रेड क्रम्स, जिसकी रेसिपी मैं आपको एक अलग वीडियो बना के बताऊंगी कि घर में अच्छे और फ्रेश ब्रेड क्रम्स कैसे बनाए जाते हैं। यहां मैंने ले लिया है एक एग, जिसे मैंने बीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स, यहां मैंने ले लिया है 1 चम्मच देसी घी। फ्रेंड्स, देसी घी बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि हमारे बच्चों को ऑलमोस्ट 1500 कैलोरीज डेली चाहिए होती हैं। फ्रेंड्स, इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ अनियंस। अनियन को हम जब तक सॉटे करेंगे जब तक कि इनका कलर चेंज ना हो जाए। देखिए, कलर चेंज हो गया है। अब इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ हमारी जुकीनी। अब हम इसे चलाएंगे जब तक कि ये दोनों सॉफ्ट ना हो जाए। देखिए, ये ऑलमोस्ट डन है। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। थोड़ा सा हम इसे चलाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें अब मैं ऐड करने जा रही हूं हमारी चीज। फ्रेंड्स, चीज ऐड करने के बाद हमें गैस ऑफ कर देनी है, क्योंकि ये बहुत जल्दी चिपकती है। तो आइए, इसको हम मैं एक बाउल में निकाल लेती हूँ। ये देखिए, मैंने इसे बाउल में निकाल लिया है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा था कि हमारी फिलिंग रेडी है। फ्रेंड्स, अब मैं इसमें ये ब्रेड क्रम्स मिलाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, इसमें हम हाफ ही ब्रेड क्रम्स मिलाएंगे और हाफ ब्रेड क्रम्स हम बाद के लिए छोड़ देंगे। तो आइए फ्रेंड्स, अब हम शुरू करते हैं अपने सॉसेजेस को बनाना। ये देखिए, मैं इस छोटे छोटे पोर्शन लेके इसको थोड़ा राउंड शेप दे रही हूँ। वैसे आप चाहें तो कुछ भी शेप दे सकते हैं इसको। इसे हम स्मॉल स्मॉल पोर्शन लेके ऐसे ही सारे राउंड शेप गोले बना के रख लेंगे। फ्रेंड्स, ये बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है और आपके बच्चे समझ भी नहीं पाएंगे कि मम्मी ने इसमें क्या डाला था। देखिए, हमारे सारे सॉसेजेस बनके तैयार हैं। तो फ्रेंड्स, इसे अब हम डिप करेंगे एग के मिक्सचर में और फिर इसे हम रोल करेंगे ब्रेड क्रम्स में। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो एग के मिक्सचर वाला जो स्टेप है आप इसे स्किप कर सकते हैं और इसको सिर्फ ब्रेड क्रम्स में ही रोल कीजिए। देखिए, हमारे सारे सॉसेजेस बनके रेडी हैं।
को एक एक करके इसमें डाल रही हूँ, और मैंने जो गैस है वो अभी मीडियम हाई पे रखा है। इसको हमें बहुत ही ध्यान से रखना पड़ता है कि ये टूट ना जाए। देखिए फ्रेंड्स, अब इनका कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब ये ऑलमोस्ट रेडी है। आइए इनको हम प्लेट में निकाल लेते हैं। मैंने गैस ऑफ कर दिया है और अब मैं इनको प्लेट में निकाल रही हूँ। आइए फ्रेंड्स, हम इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, इसमें मैं थोड़ा सा चीज ग्रेट करूंगी। जिससे कि ये और टेस्टी लगेंगे और आपके बच्चों को बहुत ही अट्रैक्टिव भी लगेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो, आपको पसंद आई हो, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, ज़ुकीनी विटामिन ए एंड विटामिन सी का एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, प्लस वो आपके बेबीज के डाइजेशन में भी उनकी बहुत हेल्प करेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।